और राजधानी देहरादून को वैसे तो स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन यहाँ रेहड़ी फल बालोनी अतिक्रमण कर सड़कों पर जाम लगा रखा है। इस अतिक्रमण के कारण आम नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब जिला अधिकारी द्वारा इन पर कार्रवाई की जाती है तब यह वहाँ से हटा लेते हैं, लेकिन टीम के जाते ही अतिक्रमण करने वाले दोबारा उसी जगह पर कब्जा कर लेते हैं। वहीं जब इस मामले की शिकायत जिला अधिकारी से की गई और उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन यदि ऐसा मामला संज्ञान में आ रहा है तो इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये कंटिन्यूस एक प्रक्रिया है जिसके अंदर, क्योंकि हमें भी इनको एक जगह जैसे एक वेंडिंग जोन देना होता है नगर निगम को, और वो उसके लिए स्थल भी चयन कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ जगह हैं जहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल बैन कर रखा है, वहाँ पे हम लोग कंटिन्यूस कार्रवाई भी करते हैं, क्योंकि त्यौहार का सीज़न है तो मिलावट जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें मिलावट की भी शिकायतें आती हैं, जिसपे हमारी टीम है जो जाती है और कार्रवाई।